गैस लाइटर से बिजली कैसे बनती है। कंप्लीट एक्सपेरिमेंट विद पीजो गैस लाइटर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुल्तान सिंह पर आपका स्वागत है। जब हम रसोई में गैस लाइटर से गैस जलाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि इस गैस लाइटर में अचानक इतनी तेज़ चिंगारी कहाँ से निकलती है, इसका क्या कारण है, इतनी स्पार्क होकर गैस जलने लगती है। तो आइए आज हम देखते हैं गैस लाइटर में क्या ऐसा होता है जिससे इसमें बिजली बनती है, हज़ारों वोल्ट बिजली बनती है और स्पार्किंग होती है। तो इसके लिए मैंने अपने ख़राब गैस लाइटर को आरी से थोड़ा काट कर खोल लिया है। ये देखिए इसमें किस तरह से सारा ये काला हो रहा है, मिट्टी और स्पार्किंग से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है इसका, इसलिए ये स्पार्किंग नहीं दे रही थी और हम नई गैस लाइटर लाए हैं। ये देखिए ये पीछे इस तरह से जब चोट लगती है तब इसमें आगे यहाँ स्पार्किंग होती है। तो हम देखते हैं पूरा इसमें एक्सपेरिमेंट करके कि इसमें ऐसा क्या है कि ऐसी स्पार्किंग होती है, हाई वोल्टेज बिजली इसमें पैदा होती है। इसके सारे आइटम्स को हमने एक एक करके निकाल लिया है। ये सारा ऐसा अटैचमेंट स्प्रिंग वगैरह ऐसे बनी हुई है कि जब हम पीछे से इसको पीवीसी के पुश बटन को दबाते हैं तब तेज़ी से चोट लगती है आगे जाके और फिर वापस रीसेट हो जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ये हमने पूरा इसको खोल दिया है। इसको हम आरी की मदद से किनारे से इसको रगड़ के कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए पीवीसी का हिस्सा था वह भी काला हो गया है। इसमें ये जो आपको भूरे कलर का दिख रहा है राइट हैंड में, वो पीजो क्रिस्टल है। पीजो क्रिस्टल की दोस्तों ये करैक्टरिस्टिक होती है कि उसकी दोनों सरफेस पर अगर प्रेशर डेवलप होता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी बिजली के वोल्टेज जनरेट होते हैं दोनों सतहों के बीच में। तो एक सतह से हम ये जो चारों तरफ की जो हमारी स्टील की बॉडी है लाइटर की, इसको अर्थ कर देते हैं एक वाशर के ज़रिए। अब इसमें क्या है, ये एक तो अर्थ हो जाता है एक साइड तो, और दूसरी साइड आगे जो निकला रहता है हिस्सा गैस जिससे जलती है वो पॉइंट होता है। तो अर्थ और उसके बीच में हाई वोल्टेज डेवलप होता है। जब इसको हम दबाते हैं उस समय अचानक एक प्रेशर क्रिएट होता है, स्प्रिंग से एक हथौड़ा सा उस पर गिरता है पीजो पर। ये देखिए, ये अभी दिखाता हूँ मैं अब जलने, ये देखिए स्पार्किंग देने लगी है। ये इसको हमने पूरी तरह साफ़ करके वाशर नया डाल दिया तो ये अच्छी तरह से स्पार्किंग कर रही है और अब फर्स्ट क्लास वापस चालू हो गई है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें बिजली पैदा होती है। तो मैंने मल्टीमीटर के दोनों कनेक्शंस को, माइनस को तो मैंने अर्थ पे लगा दिया है और प्लस पॉइंट को, पॉजिटिव को आगे वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। अब देखिए मैं ज्यों ही दबाता हूँ, मल्टीमीटर पर नज़र रखिएगा आप, ये देखिए ये इस समय डीसी वोल्टेज पर है, 1000 वोल्ट डीसी पर है, और ये देखिए 500-600 वोल्ट तक इसमें जनरेट होता है। तो ये इसको नज़दीक हमने कर रखा है इसलिए ये कम हो गया है। अगर ये इसके साथ नहीं लगाते हैं तो ये हज़ारों वोल्ट, 2-3-4 हज़ार वोल्ट पैदा होता है और ये एक सर्टेन एयर गैप के बीच में स्पार्क देता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है अर्थ और आगे के टर्मिनल के बीच में कि वहाँ स्पार्किंग होती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से प्रेशर क्रिएट करके इसमें बिजली पैदा होती है। गैस लाइटर कभी ख़राब नहीं होता है,
इसमें गंदगी आदि आ जाती है, रस्टिंग हो जाती है, उसको साफ सफाई कर लो। और ये जो एक ये देखिए कटा हुआ है, ये वाशर लोहे का वाशर है जो चारों तरफ से घिस जाता है और गल जाता है स्पार्किंग से। इसकी जगह नया वाशर हम लगा देते हैं और साइड में इसका कनेक्शन स्टील के बॉडी से अगर रहता है तो ये फर्स्ट क्लास काम करता है। तो इस तरह से ये पीछे से हम दबाते हैं तब इसमें ये प्रेशर होता है। अभी मैं आपको हथौड़े की चोट देकर ये जो लाल रंग का जो दिख रहा है, भूरा लाल रंग का राइट हैंड में, ये पीजो क्रिस्टल है। और ये पीछे का जो सफ़ेद पोर्शन आपको दिख रहा है, ये स्प्रिंग वगैरह मैकेनिज्म है, ये पीजो क्रिस्टल है। ये देखिए एक छोटा सा गुटका है, ये बीच की जगह भरने के लिए है सिंपली, और कुछ नहीं है इसमें, स्टील का है ये। और आगे ये आपको नज़र आ रहा है, ये पीजो क्रिस्टल है, इसके अंदर पीवीसी के अंदर ये पीजो क्रिस्टल है। और ये पीछे कनेक्शन के लिए हमने दिया है। अब इस पर हम चोट देंगे तो इसके मदद से वो चोट सीधी आगे पीजो क्रिस्टल पर गिरेगी। देखिए ये कनेक्शन मल्टीमीटर के करके मैं आपको हथौड़े से चोट देकर दिखाता हूँ। इसको थोड़ा वोल्टेज कम पे कर देते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज इतना चोट हम दे नहीं पाते हैं, हल्की सी वो देते हैं और एक क्षणिक वोल्टेज पैदा होता है, इतने में वोल्टमीटर एक्सेस भी नहीं कर पाता है। ये देखिए जो ही हम हथौड़े से चोट देते हैं ये वोल्टेज डेवलप होते हैं। अभी हम और छोटी रेंज पर कर देते हैं डीसी में, और ये देखिए वोल्टेज जनरेट होते हैं। जो ही इस पर चोट पड़ती है वोल्टेज जनरेट होते हैं। अभी हाथ से मैं दबा रहा हूँ, देखिए ये देखिए हाथ से प्रेशर देते हैं तो दोनों सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है और उससे डीसी वोल्टेज जनरेट होते हैं। इसी सिद्धांत पर पीजो क्रिस्टल काम करता है। पीजो क्रिस्टल के दोनों सरफेसेस पर जब प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है तो वोल्टेज जनरेट होते हैं। ये देखिए मैं दबाता हूँ, वोल्टेज जनरेट होते हैं। अब इसको हम वापस पैक कर देते हैं। उस कटे हुए वाशर की जगह हमने ये नया वाशर लगा दिया है। दोस्तों आज का ये वीडियो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट विद पीजो गैस लाइटर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये एकदम सही प्रयोग हमने किया है कि गैस लाइटर से बिजली कैसे बनती है। तो इसमें प्रेशर डिफरेंस होने से बिजली पैदा होती है, टेम्परेचर का या और किसी तरह का कोई रोल इसमें नहीं है। तो जब हम पीछे से उसको दबाते हैं लीवर को तो वो ज़ोर से भिड़ता है, पीजो क्रिस्टल के पीछे जो स्टील का पोर्शन है उस पर गिरता है और उसकी वजह से पीजो क्रिस्टल पर प्रेशर क्रिएट होता है। ये देखिए ये फर्स्ट क्लास हो गया हमारा गैस लाइटर, इसको हम दोबारा काम ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हों या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुल्तान सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।